वीडियो में सीखा था बिना बेल्ट वाली सलवार की कटिंग करना, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बिना बेल्ट वाली सलवार की सिलाई करना कि हम उसको कैसे सिलते हैं। तो उसके लिए हमने जो ये कटिंग की थी ऐसे कर रखी थी, और जो हमारे साइड से जो यहाँ की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उससे हमने क्या किया है, पोंचे बनाने के लिए दो पट्टियाँ कट कर ली हैं, जो कि हमारी ये जो हमने बुकरम वाली पट्टियाँ ली हैं, जो बुकरम वाली पट्टी है ये एक इंच चौड़ाई में है, यहाँ से चौड़ाई में एक इंच है और लंबाई में ये 20 इंच के करीब है। और जिसका हमने कपड़ा है वो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, करीब 3 इंच के करीब इस चौड़ाई में कपड़ा लिया है और लंबाई में सेम उतना ही लिया है 20 इंच के, और हमने उस कपड़े के ऊपर ये पट्टी पेस्ट कर ली है। इससे क्या करेंगे हम अपने पोंचे बनाने में ये हमें काम आएंगे। तो अब क्या करते हैं हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी जो लाइन है यहाँ से जो लाइन है इस लाइन से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे पूरा यहाँ नीचे तक एक सीधी सिलाई लगाएंगे, और ऐसे ही हम दूसरी तरफ जो ये लाइन है इधर की साइड यहाँ से इस लाइन से ये सीधे यहाँ से जो निशान लगा है इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो पहले हम इस से सिलाई लगाते हैं और ये दोनों तरफ लगाएंगे, एक इस वाले पैर पर, एक ये वाले पैर पर, और ये नीचे वाले पर भी सेम ऐसे ही सिलाई लगेंगी, एक इधर की साइड और एक इधर वाली। ये सीधी सीधी सिलाई हम दोनों लगा लेते हैं। इसी लाइन जो हमने खींची थी हम इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस पर सीधी सिलाई लगाते जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर लगाएंगे हम सीधा, इस लाइन को हम ऐसे करते हुए ऐसे ही हम अपना जो चारों तरफ लगानी है हम इसको पूरे पे लगा लेंगे, सेम ऐसे ही लगानी है। दूसरे कपड़े पे भी किया है, जो ये दूसरा पैर था इधर भी हमने ऐसे करके इधर इधर सिलाई लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इधर से ऐसे सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही सेम जो ये दूसरी साइड था इधर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस पर सिलाई कैसे लगानी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से इसको ऐसे जोड़ के ऐसे यहाँ से मतलब इसके ऊपर ऐसे रख के और फिर यहाँ पे इसको पहले ऐसे बिल्कुल सही ऐसे करके और फिर यहाँ पे इस पर ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ऐसे बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे रख कर। यहाँ पे ऊपर तक पूरा बंद नहीं करना है इसको, हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये 1.5 इंच पे है करीब, तो यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच पे निशान लगाया है इसको यहीं तक सिलाई करेंगे, जो यहाँ 1.5 इंच तक सिर्फ, क्योंकि ये ऊपर जो होगा ये हमारा ऐसे मुड़ने में चला जाएगा, तो यहाँ तक हम इसको सिलाई करके फिर उल्टी सिलाई इधर से ऐसे करने के बाद इसको हम क्या करेंगे ऐसे इसको घुमा के फिर दोबारा एक और सिलाई लगा देंगे यहाँ से। ऐसे था ये हमारा, तो हम क्या करेंगे हम सुई इस कपड़े के अंदर ही रखेंगे और फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे और इसके ऊपर दोबारा से हम पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ का भी सिलेंगे। ये एक तरफ का सिल गया है, ऐसे हम ये दूसरे में भी सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे दोनों कपड़ों को बिल्कुल साथ में ऐसे रखकर। और यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पे हमें ये 1.5 इंच का मार्क लगा लिया था, अब यहीं तक हम सुई को लाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से वापस सिलाई करेंगे।
यहाँ तक लाए और हमने ये सुई को कपड़े के अंदर ही रखा नीचे की साइड, और ऊपर से हमने इसको यहाँ से ऐसे उठाकर कपड़े को ऐसे घुमाया और फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे नीचे कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इधर सिलाई ले जाएंगे। अभी हमारे दोनों तरफ इधर ये हमारा ये वाला इधर से भी सिलाई हो गया और इधर भी सिलाई हो गया। हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे डेढ़ इंच को हम हाँ तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ से डेढ़ इंच छोड़ा था, तो हम क्या करेंगे अब इसको, ये हमारा ऐसे है तो हम इसको ऐसे करके इधर से हम ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, ऐसे करके इसका हम ऐसे वी बना लेंगे ऐसे। ये ऐसे है ना, तो हम इसको इस कोने को उठा के इस वाले कोने को उठा के यहाँ ऐसे ले आएंगे और फिर हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इस पर सिलाई शुरू करेंगे। थोड़ी देर सिलाई आने के बाद फिर हम इसको घुमा लेंगे उठाकर, फिर ऐसे घुमाएंगे इसको और फिर ऐसे ही हम दूसरी तरफ से इसको ये वाला कोना उठाकर हम इधर ले आएंगे ऐसे। तो ये हमारा ऐसे बनना चाहिए फ्रेंड्स। फिर हमने यहाँ पे ऐसे लिया और फिर हम इसको मशीन को थोड़ा ऐसे करके ऊपर को घुमाएंगे और फिर यहाँ से इसको सिलाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे सेम। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये हमने यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा ली है, ये दोनों तरफ हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा कपड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे हल्का सा ऐसे। मैं दोबारा बताती हूँ आपको फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड करेंगे फिर दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। आप समझ गए होंगे ऐसे करना है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा ऐसे है तो हम यहाँ से हम इस कपड़े को थोड़ा हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो जो हमने कटिंग करते टाइम 2 इंच ज़्यादा मार्जिन लिया था, हमने ऊपर के लिए लिया था वो, तो वो हमारा ऐसे यहाँ पे ये 2 इंच मार्जिन ऐसे ऊपर आ जाएगा और इसे जो हमने जो कटिंग की है उसी साइज की हमारी जो है वो सलवार बनकर रेडी होगी। तो हम इसके ऊपर भी हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसको पूरे में ही ऐसे सिलाई लगाना है। पहले ये हल्का सा ऐसे अंदर फोल्ड करना है और फिर ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे मोड़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसके ऊपर यहाँ पे चौक से पहले निशान लगा सकते हैं, उसके बाद उसको चौक के जहाँ लाइन लगाने के बाद उसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं। हमने अपने ऐसे पूरा फोल्ड कर लिया है इसको, फिर दोबारा यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इधर ऊपर का जो नेफा होता है वो हमारा यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ धागा कट कर लेंगे और अब हम बनाएंगे सलवार के पोंछे। हाँ तो फ्रेंड्स पोंछे बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि हमने दो ये पट्टियाँ ऐसे कपड़े के ऊपर चिपका ली थी, बुकरम की पट्टियाँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो इधर से कपड़ा है, जो ज़्यादा कपड़ा जिधर की साइड से उधर की साइड से, हम इसको पहले ऐसे फोल्ड कर देंगे। एक ऐसे कच्ची सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। हमने इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ से कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमने पोंछे के यहाँ पे ये कपड़ा ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पोंछे को यहाँ से यहाँ पे ऐसे रख कर और फिर इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इधर बीच में। और ऐसा ही सेम हम क्या करेंगे, सलवार में जो हमने यहाँ से जो सिलाई कर दी थी इसको भी हम यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे भी इसके बीच का पॉइंट पे निशान लगा लेंगे।
तो ये हमने दोनों जगह निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे इधर भी इधर इसका पूरा मिड पॉइंट लग यहाँ पे भी लगा लिया है एक बीच में निशान, ऐसे ही हमने बुकरम की पट्टी पे भी लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशान को जो हमने जो सलवार के जो सलवार जो बनाई थी उसके बीच के पॉइंट को और जो हमारे पहुँचे हैं उसके बीच के पॉइंट को ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे करके अब इधर से ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखेंगे हम जो सलवार होगी वो सीधी तरफ से होगी, उसके ऊपर हम पहुँचा रखेंगे। तो हम इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल जो ये बुकरम है इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इधर किनारे पे ही लगाना है बुकरम के साइड में ही। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया था और ये निशान लगाया था दोनों ही बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गए हैं ये। बस ऐसे ही हमने ये दोनों पूंछे इसमें कपड़े से अटैच कर लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने इस ऐसे हमने इधर सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके पूंछे को हम ऐसे करके ऐसे उल्टा फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर हम एक सिलाई लगाएंगे इधर किनारे किनारे के ऊपर। ऐसे ही हम किनारे पे ये जो लाइन बनाते जाएंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे जो किनारे की साइड में ही सिलाई लगाते जाएंगे, दूसरे पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लिए हैं, किनारे पे हमने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से इधर हम ऐसे यहाँ से उल्टा करके और जो इधर किनारा है इधर की साइड से भी हम एक सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं ऐसे करके, और जो ये इधर किनारे की साइड में है क्योंकि हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था, अब इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम। और ध्यान रखेंगे जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम ऐसे थोड़ा खींच के रखेंगे ताकि यहाँ पे ये इकट्ठा ना हो। हम ऐसे थोड़ा खींचेंगे और इसको पूरा ऐसे अच्छे से पकड़ के ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। हम दूसरी तरफ लगाएंगे, ये इधर से सीधा था ऐसे, तो हमने इसको इधर उल्टी तरफ से और इधर किनारी पे। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स जो नीचे वाला कपड़ा है हम उसको ऐसे हाथ से थोड़ा सा खींच के रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पे भी सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से ही सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इस पे पूरे पे एक एक पैर की सिलाई, अब जैसे हम यहाँ पे एक सिलाई लगी थी अब इधर फिर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। अब आप इसमें अपनी मर्जी से कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। तो मैं इधर एक पैर इसको बोलते जो ये इधर वाला है इस इधर एक पैर की दूरी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर हमने ऐसे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम ऐसे जिग जैग वाली लाइनें बनाएंगे। जिग जैग लाइनें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कपड़े को हम ऐसे यहाँ से हम इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे पकड़ के और इसको हम ऐसे सिलाई करते हैं इधर इधर और इधर 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 घुमाते जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, जिग जैग लाइनें बन जाएंगी। Thank you.
ये देखिए आप देख रहे होंगे इधर ये जिगजैग लाइनें बननी शुरू हो गई है। तो अब मैं ऐसे ही यहाँ पर भी और सेम ऐसे ही हम तीनों लाइनों में क्या है मैं जिगजैग लाइनें बना लूंगी। हाँ तो फ्रेंड्स हमने मैं आपको जैसे बताया था कि मैंने अब तीनों लाइनों में हमने ये जिगजैग की लाइनें बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारी ये पोंछे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सलवार को हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ये दोनों को ऐसे और ऐसे मिलाएंगे और फिर हमें जितने भी पोंछे की लेंथ रखनी है, तो हमारे इसमें 7 रखनी थी तो हम यहाँ पे 7 का निशान लगाएंगे इंची टेप से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 का, क्योंकि हमें जो पोंछे की लेंथ है जो मोरी जो है वो हमारे 7 रखनी है, तो यहाँ पे 7 का निशान लगा लेंगे और हम क्या करेंगे अब यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम ऐसे तिरछे में ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। और दोनों कपड़े को ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे इसमें। हाँ फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है जो ये हमारी जो बीच वाली सिलाई है ये दोनों की ऐसे ये जैसे ये सिलाई है इसके ऊपर ही दूसरी सिलाई आए, ऐसे एक के ऊपर एक सिलाई ऐसे रखनी है बीच वाली जो है हमारी सेंटर की और फिर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ भी यहाँ पे 7 का निशान लगा लिया है। अब इधर भी हम ऐसे करते करते सिलाई ले आएंगे। फिर ऐसी जो सुई है उसको कपड़े में ही रख के नीचे और इसको फिर हम दोबारा घुमा के एक सिलाई और यहाँ पे पूरे पे जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है इस पे हम पूरे पे एक सिलाई और लगाएंगे। इसमें डबल सिलाई आप कंप्लीट कर ली है। हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी सलवार बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें इस पर तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।